बुंदेलखंड अंचल की दमोह लोकसभा सीट अब दिन ब दिन हाई प्रोफाइल सीट बनती जा रही है। जी हां, इस लोकसभा सीट के रोमांचक मुकाबले में भाजपा और कांग्रेस के बाद अब दमोह के इस सियासी दंगल में थर्ड जेंडर किन्नर दुर्गा मौसी की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने दमोह लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि किन्नर दुर्गा मौसी 100 किलोमीटर दूर कटनी से स्कूटी चलाकर दमोह पहुंची और नामांकन फॉर्म खरीदा एवं वह आने वाले दिनों में अपना नामांकन फॉर्म भी दाखिल करेंगी। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर बेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साई खेड़ा लेधोरा हाट फोर लाइन चौराहा नर्सिंग कॉलेज के बाजू में सागर। दरअसल किन्नर दुर्गा मौसी दमोह के पड़ोसी जिले कटनी की रहने वाली हैं, जो अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो को छोड़कर दमोह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगी। उनका कहना है कि उन्हें जन सेवा करना है और फिर इलाका कोई भी हो, जनता तो एक ही है, इसीलिए उन्होंने दमोह सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। बता दें कि किन्नर दुर्गा मौसी की सियासत में दिलचस्पी शुरू से ही रही है। उन्होंने सरपंची से अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी और वर्तमान में वह कटनी जिले की जनपद सदस्य हैं, जहां बुधवार को वह अपनी स्कूटी चलाते हुए 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके दमोह पहुंची और चुनाव के लिए फॉर्म खरीदा। अब यहां की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं और सभी समस्याओं को हम तन मन धन से जनता की सेवा के करने के लिए हम आज नामांकन लिए हैं। कल हमारा नामांकन यहाँ पर जमा होगा और मैं जनता के सेवा के लिए अपने तन मन धन से तत्पर रहूँगी। लोक सेवा करने की इच्छा है, चाहत है और है भी, क्योंकि मैं सरपंच रह चुकी हूँ 7 साल तक। अब इसके बाद मैं अभी जनपद सदस्य हूँ वर्तमान में। मैं चाह रही हूँ कि अगर यहाँ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो हम उनके हर एक समस्याओं को हल कराने में बड़ा भारी योगदान मेरा होगा और जनता को बहुत राहत मिलेगी। हमें जिता करके हमें कोई लालच नहीं है और न हम कोई भ्रष्ट नेता है न दागी है। हम यही चाह रहे हैं कि साफ नेता चुन करके जनता लाए बैठाए, ताकि उनके सुचारू रूप से कोई भी कार्य रुक ना सके जनता के और होते ही रहें। तो हर समस्याओं अभी आपका फॉर्म डल चुका है कि डलना है? अभी नहीं, फॉर्म हमारा कल डल जाएगा। आपने फॉर्म ले लिया है? आज हमने फॉर्म ले लिया है, नामांकन अभी भर रहा है और कल 11 बजे यहाँ हमारा नामांकन दाखिल हो जाएगा। आप कटनी जिले से आए हैं जी, आपने दमोह जिला क्यों चुना गया? हम दमोह जिला इसलिए चुने हैं कि जनता की मांग है, इसलिए हम दमोह जिला से ही लड़ रहे हैं। हमारे भी साथी यहाँ पर हैं, बहुत सारे हैं और जिस प्रकार हम चुनाव लड़ रहे हैं समझो वो ही हैं। तो हमारा एक घर परिवार होता है किन्नरों का, उससे ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप यहाँ की हो कि वहाँ की। हमारा तो पूरा संसार ही पूरा परिवार है, घर है, खानदान है, सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन सब कुछ हमारे। आप यहाँ अकेले फॉर्म डालने अकेले आए, आपके साथ कोई और? नहीं, अकेले नहीं आए हैं, भैया लोग हैं और हमारे ये सब। बहरहाल लोकसभा चुनाव की अब तक की प्रक्रिया में संभवतः किन्नर दुर्गा मौसी पहली थर्ड जेंडर हो सकती हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले सागर में किन्नर कमला बुआ ने महापौर चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। इसके अलावा कटनी और शहडोल में भी किन्नर ने चुनावी मैदान में सभी दलों को मात देकर जीत दर्ज की थी। बता दें कि दमोह लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को टिकट दिया है। वहीं अब इस लोकसभा सीट पर निर्दलीय किन्नर प्रत्याशी की एंट्री से मुकाबला और भी रोचक होने वाला है। दमोह से नरेंद्र आठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से मकरोनिया चौराहा सागर।